हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। दिन और रात, सुबह और शाम, सिर्फ और सिर्फ एबिस वर्ल्ड के साथ। तो एबी, आपने अपने सामने मैंगो रखा है, हम क्या करने लगे हैं मैंगो से? मैंगो शेक बनाने लगे हैं। तो इसलिए आज आपने येलो ड्रेस वेयर की है, येलो मैंगो के साथ मैंगो शेक बनाने लगे हैं। और कौन सा ड्रेस वेयर की है? येलो कलर का। वाओ, तो हमारे इंग्रेडिएंट्स आप बताएंगे, हमारे पास इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? इंग्रेडिएंट्स बता दें। एक मिनट। ओके, अगेन स्टार्ट, हमें इंग्रेडिएंट्स बताइएगा। आइस, शुगर, दूध। और ये क्या पड़ा हुआ है? ब्लेंडर पड़ा हुआ है। तो जिसमें हम बनाएंगे जी मिल्क शेक। क्या बनाएंगे? मिल्क शेक बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करें जी। तो जी हाँ जी, आपने एबी से सुन लिया जी, हम बनाने लगे हैं जी मैंगो शेक। और मैंगो आप देख सकते हैं काफ़ी बिग साइज़ का है, तो इसलिए मैंने एक ही लिया। तो काफ़ी अच्छा साइज़ में बड़ा मैंगो है। तो जी यहाँ पर एक गिलास दूध है और हमारे पास शुगर है, आइस क्यूब है। तो मैं मैंगो को पील करती हूँ, क्यूब्स में कट करती हूँ, फिर जो है आगे हम एबी से स्टार्ट करवाएंगे। तो मैं जल्दी से करके लेकर आती हूँ मैंगो को कट, तो फिर हम आपसे मिलते हैं कट करने के बाद। लीजिए जनाब, हमारे मैंगो कट हो चुके हैं, हमने क्यूब्स में कट कर लिए हैं मैंगो। तो जी सामने बिल्कुल जी मैंगोस कट होकर पड़े हुए हैं आपके सामने। तो अभी सबसे पहले आप क्या डालेंगे ब्लेंडर में? दूधू। सबसे पहले क्या डालेंगे हम? दूधू डालेंगे सबसे पहले। तो मैंगो टेस्ट करके बताइएगा, मैंगो का टेस्ट कैसा है? अच्छा, टेस्टी। तो जी हाँ जी गाइस, ब्लेंडर में दूध डालते हैं, मैं एबी की हेल्प करूँगी। तो एबी की हेल्प करते हैं दूध डालते वक्त। तो लीजिए जनाब, हमारे ब्लेंडर का लिड जो है ओपन हो चुका है। और ओपन होने के बाद जी हम डालेंगे ब्लेंडर में मिल्क। तो मिल्क ऐड करते हैं, उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स एबी खुद ऐड करेगी। तो अभी वेट कीजिएगा एक मिनट। तो लीजिए जनाब, हमारा मैंगो जो है कट हो चुका था, क्यूब्स में मैंगो कट हो चुका था, ब्लेंडर में दूध जा चुका है। तो अब जो है अभी शुगर डालेगी। तो अभी को मैं कहूँगी शुगर डाल दे अभी। तो यहाँ पर 3 टेबलस्पून के करीब हमने शुगर ली थी। अभी दूध में शुगर ऐड कर दे, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा जी। बी केयरफुल, वेरी गुड। तो देख रहे हैं गाइज, यहाँ पर 3 टेबलस्पून मैंने शुगर ली थी, 1 मैंगो लिया था और 1 ग्लास के करीब जो है मैंने दूध लिया था। तो एबी यहाँ पर शुगर ऐड कर देगी सारी 3 टेबलस्पून। थैंक यू एबी। तो उसके बाद जो है आइस क्यूब ऐड कर दे एबी। आप खा लो। शुगर टेस्टी, मीठी है। आइस क्यूब डाल दें। तो पानी बन गई। नहीं कोई बात नहीं, वो समर्स है ना, इसलिए मेल्ट हो गई है। तो आप आइस क्यूब ऐड कर दें, मैं हेल्प करती हूँ एबी की। जाएगा। कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप ऐड कर दें। तो एबी की हेल्प करते हैं। ओके, तो ये हमारी आइस क्यूब भी चली गई और मैंगोज भी ऐड कर दें। मैंगोज सब कर दें, डाल दें, ऐड कर दें, मैं आपकी हेल्प कर दूँ। तो हम एबी की करते हैं हेल्प मैंगोज डालने में भी। तो कवर करते हैं ब्लेंडर को और ब्लेंड करेंगे। तो अभी ब्लेंड कर दे। तो देखिए गाइस, हमारा मैंगो शेक बनना बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी के सामने हो जाएं आप, मुझे नजर नहीं आ रहे। कितना यमी लग रहा है अभी। तो अभी आप मुझे टेस्ट करके बताओगे शुगर ओके है? वेट, थोड़ा सा ब्लेंड होने दे, थोड़ा सा ब्लेंड होने दे, शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी बीच में। तो लीजिए जनाब, हमारी मिल्क शेक जो है रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसे ऑफ करेंगे और एबी को टेस्ट करेंगे, बन गया। तो एबी ये स्पून की हेल्प से आप टेस्ट कीजिएगा, ये ले स्पून। तो मैं आपको लिड ओपन करके देती हूँ और आप टेस्ट कीजिएगा।
शुगर ओके इधर 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 सामने ओके सामने ओके बताइएगा शुगर ओके थम्स अप का साइन कीजिएगा सब कुछ ओके है टेस्टी बना है ठंडा अच्छा अच्छा है तो जी गाइस हमारा मैंगो शेक हो चुका है बिल्कुल रेडी तो एबी को मैं ग्लास में सर्व करती हूँ फिर एबी को हम देते हैं पीने के लिए नहीं बोल मैंने एक ग्लास में पीते हैं तो एबी आपको मैंगो शेक बनाना कैसा लगा मैंगो शेक बनाना कैसा लगा आपको अच्छा अच्छा लगा तो ओके इसमें दे देते हैं तो जी गाइस समर्स आ चुके हैं मैंगो बहुत अच्छे मार्केट में आए हुए हैं तो मैंगो शेक्स बनाइए मैंगो केक बनाइए मैंगो का यूज़ कीजिए और बहुत अच्छे मार्केट में मैंगोज आए हैं तो मैंगो शेक बन चुके हैं एबी को ग्लास में सर्व करके हम देते हैं तो सर्व करने के बाद मिलते हैं लीजिए जनाब हमारा मिल्क शेक जो रेडी हो गया था मैंने सर्विंग ग्लास में और एबी ने कहा था मुझे बॉल में पीना है मिल्क शेक स्पून के साथ तो एबी को मैंने 2 से 3 आइस क्यूब बॉल में डाल दिया और ग्लास में भी 2 से 3 एबी को आइस क्यूब डाल दी थी तो मैं एबी को स्पून दूंगी ताकि एबी जो है अपने स्पून के साथ अपना मिल्क शेक पी ले और मैं एबी को सर्व करूंगी तो एक ग्लास जो है हम एक ग्लास में निकाल लेंगे और एबी को जो है हम एक बॉल में दे देंगे तो लीजिए जनाब ये लीजिए हमारा ठंडा ठंडा मैंगो शेक बिल्कुल हो चुका है रेडी तो ये है जी एबी का एबी आप बॉल में पिए तो एबी ने कहा था जी मैं बॉल में मैंगो मिल्क शेक पीऊँगी तो मैंने एबी को जी सर्व कर दिया है बॉल में और बाकी का मैंने दूसरा ग्लास में सर्व कर दिया तो हमारा मैंगो कैसा बना है अभी अच्छा बना है ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है आपको जी तो अभी आप गाइस को बाय कहेंगे बाय ऐसे हैंडी शेक करके अच्छे से बाय करें ना बाय तो जी हाँ जी गाइस ये छोटी सी वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा काइंडली यूट्यूब पे न्यू मेंबर्स आने वाले हमारे वीडियो को लाइक्स करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जो है हमारी नई वीडियोस जल्द अज जल्द आप तक पहुँच जाएँ तो इसी तरीके से एबिस वर्ल्ड को लाइक करते रहिए एबिस वर्ल्ड चैनल को सपोर्ट करते रहिए चलते हैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे ड्रिंक्स जितने भी आपको बताए गए हैं मिल्क शेक जितने भी बनाए हैं शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके बताया करें कि जी बच्चों से बनवाना आपको कैसा लग रहा है बच्चों की हेल्प लेना आपको कैसा लग रहा है तो जी चलते हैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज़ एबी बाय 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 एबी एबी हैंडी शेक करके बाय बाय खुदा हाफिज़